हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है दो वीडियो आज की डेट में आ चुकी है जाके इन वीडियो को जाके देख लीजिएगा पैसा बेइत सा पैसा बनता हुआ नजर आएगा यहाँ पर बट एक तरकीब होती है एक तरीका होता है एक स्ट्रेटेजी होती है उस स्ट्रेटेजी पे आप रहेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो पैसा बनता हुआ नजर आएगा चाहे फिर आप स्विंग ट्रेडिंग करिए लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करिए इट्स अप टू यू ओके okay, हर तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं हर तरीके के ट्रेडर्स होते हैं तो डिपेंड करता है वो अलग अलग चीजों पर बट कोई इशू नहीं है आगे बढ़ते हैं जानते हैं उन स्टॉक से रिलेटेड क्योंकि दो स्टॉक से रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं श्रीराम सिटी यूनियन और बैंक जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया

Uh, और लेटर वो टारगेट अचीव होता हुआ नजर आएगा जो कि मोस्टली होता भी है तो उस दो स्टॉक से जेटी हम बातें करते हैं बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो आप लोग जितना हो सके हमें सपोर्ट करने की कोशिश करिए सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है आपको सिंपली हमारे जो ये चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर जो आप देख रहे हैं वीडियो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक करिए हर एक वीडियो को आप देखते हैं क्योंकि आप लाइक करेंगे तो आगे फॉरवर्ड करता है यूट्यूब और उसकी वजह से दूसरे लोग भी यहाँ पर देख पाते हैं और जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करें क्योंकि आप शेयर करेंगे दूसरे लोग भी देखेंगे दूसरे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और अगर हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं ये कॉन्टेक्ट नंबर है इस कॉन्टेक्ट

इस शेयर को हमने कब खरीदा था सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं ये शेयर 1400 के आसपास जब ये शेयर यहाँ पर चल रहा था ओके okay, तब हमने यहाँ पर खरीदा था मैंने ये शेयर 1900 के आसपास 2000 के आसपास यहाँ पर बेच दिया था फिर यहाँ पर यह शेयर उसके बाद भी 2500 तक जाता हुआ दिखाई दिया था और आज दोबारा उस लेवल पर ये आता हुआ दिखाई दे रहा तो यहाँ है तो पर एक अच्छे खासे टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं तो इसी तरीके से आपको स्टॉक को चूज करना है चूज करने के बाद आपको खरीदना है खरीदने के बाद आपको एक टाइम आने पर बेचना है बेचने के बाद दोबारा आपको मौका देता है स्टॉक्स ये मत सोचिए ये स्टॉक्स भाग गया तो आपको कभी मौका नहीं देगा कभी कभी होता है कि कोई शॉक्स निकल जाता है बट कोई परेशानी नहीं है अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा तो श्रीराम सिटी यूनियन एक जैसे दिखाई देता है टू व्हीलर uh, ये बिजनेस में को लोन देता हुआ नजर आता है छोटे बिजनेस को टू व्हीलर फाइनेंस करता हुआ नजर आता है इसके अलावा यहाँ पर देखें डील्स इन द फंडिंग कमर्शियल व्हीकल्स पैसेंजर व्हीकल्स एंड होम लोन लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड पर्सनल कंजप्शन अलग अलग तरीके के लोन देता हुआ दिखाई देता है

तेईस यहाँ पर स्टेट में है 291 बिलियन का ऐसे है इनका एयूएम और 4.76 बिलियन अगर लगभग बात करें लगभग पांच करोड़ के आसपास के यहाँ पर इनकी कस्टमर्स भी है तो कंपनी के अच्छे गा, अच्छी खासी कंपनी है छोटी मोटी कंपनी नहीं है तो यहाँ पर अगर हम और भी कुछ चीजों की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो प्रेजेंस है रूरल एरिया में ज्यादा है क्योंकि आपको पता ही है सबसे ज्यादा पब्लिक भी वहीं पर ही ज्यादा रहती हुई नजर आती है अंडर ऐसे ऐसे अंडर, अंडर मैनेजमेंट इनके पास कितना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमने देख लिया है गोल्ड लोन से यहाँ पर कितना है टू व्हीलर कितना है पर्सनल लोन कितना है यहाँ पर यह सब चीज यहाँ पर इनकी दिखाई देती है अब बात करते हैं फाइनेंशियल से रिलेटेड तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी है तेरह हजार तीन सौ चालीस करोड़ रुपए का मार्केट कैप है ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है आरओसीआरओ इतना ही दिखाई देगा किसी फाइनेंस सेक्टर का पी की बात करें बारह के पी पे मिल रहा है दस का फेस वैल्यू है तो आगे चल के कभी भी आपको यहाँ पर uh, अगर हम बात करें uh, कभी भी आपको यहाँ पर स्प्लिट भी मिल सकता है इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रहा है छब्बीस सौ से शेयर यहाँ पर दो हजार पे चल रहा है तो लगभग छह सौ रुपये का सीधा अपसाइड यहाँ पर दिखाई देता है नो प्लेजिंग और डेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि इनका काम ही डेट देने का लेने का और देने का है तो इसलिए तैतीस देखते नहीं, देखते नहीं, देखते तो रुपए पे कभी अच्छी खासी गिरावट शेयर फिर भागता हुआ दिखाई दिया एक लंबा कंसोलिडेशन हो गया है चीजें अच्छी खासी दोबारा होती हुई नजर आ रही है चीजें फिर भागती हुई दिखाई देंगी अब बात करते हैं कुछ पॉइंट की तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता ही रहता किसी का इतना ज्यादा रहता नहीं

नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये यह इस क्वार्टर में 2020 में ज्यादा होता हुआ दिखाई था फिर इसके बाद दोबारा यहाँ पर हाईएस्ट एवर यहाँ पर इनके रिजल्ट आते हुए प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस इनके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा नेट एनपी भी देख सकते हैं जो कि क्वार्टरली बेसिस पर कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं रेवेन्यू की बात करें ईयरली बेसिस पर तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी के जो ईयरली uh, बेसिस पर किस तरीके से ग्रोथ है दो में यहाँ पर ग्यारह करोड़ का रिवेन्यू था अभी छह करोड़ का है इंटरेस्ट भी यहाँ पर अच्छा खासा लगभग पांच गुना यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट देख सकते हैं लगभग टेन फाइव टू फाइव टू सिक्स टाइम्स यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है सब कुछ अच्छा खासा है ईरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ है रिजर्व की बात करें कंपनी के रिजर्व अच्छे खासे है सत्तासी सौ तिरसठ करोड़ के रिजर्व और जितने ज्यादा रिजर्व होंगे तो याद रखिए बोनस यहाँ पर कंपनी देती हुई नजर आती है जस्ट बिकॉज ऑफ की बात करें कंपनी की बोरिंग यहाँ पर बढ़ती जा रही है जितनी ज्यादा बोरिंग बढ़ेगी याद रखिएगा उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे वह यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट तो कंपनी के पास एक करोड़ के इन्वेस्टमेंट भी है कैश की बात करें पचपन करोड़ के आसपास का कैश है लोन एंड एडवांस की बात करें इकतीस हजार नौ सौ तैतीस करोड़ का लोन एंड एडवांस है जो भी यहाँ पर यहाँ पर देखिए अभी तक नेगेटिव आया है कैश फ्लो तो इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में यही दिक्कत थोड़ी सी आती दिखाई देती है प्रोमोटर्स की बात करें प्रोमोटर्स के यहाँ पर 34.6 परसेंट की यहाँ पर होल्डिंग uh, है जो कि अच्छी खासी है पहले यहाँ पर 33 परसेंट की हुआ करती थी 2018-19 में और अभी यहाँ पर देखिए इक्कीस में थर्टी परसेंट की एफ की बात करें एफ आई यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं लगातार यहाँ पर देखेंगे आ, तो पहले सैंतालीस परसेंट थे दिसंबर दो में सत्ताईस थे फिर देखिए अट्ठाईस हुए अट्ठाईस और अभी तो बात करेंगे फिर दोबारा अट्ठाइस तो पॉइंट में ही बढ़ा रहे हैं बट बढ़ा रहे हैं इसके बाद डी की बात करें डीआईस की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है बट इस क्वार्टर में यहाँ पर हिस्सेदारी पिछले दो क्वार्टर में बढ़ती हुई नज़र आ रही है पब्लिक की बात करें पब्लिक में हिस्सेदारी यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है पब्लिक से हिस्सेदारी ली जा रही है बत्तीस के शेयर यहाँ पर पब्लिक के पास है 32 में से भी अगर आप देखेंगे तो डायनेस्टी एक्जिशन ने यहाँ पर 20 परसेंट की हिस्सेदारी और पिरामिड पी एल ने यहाँ पर 9.96 परसेंट की हिस्सेदारी ले रखी है तो यहाँ पर समझ रहे हैं आप बीस और दस Uh, कितने हो गए तीस परसेंट की हिस्सेदारी थर्टी पॉइंट समथी परसेंट तो केवल टू पॉइंट समथिंग परसेंट की हिस्सेदारी टू पॉइंट टू फाइव परसेंट की हिस्सेदारी ही यहाँ पर के कहा नजर आ रही है पब्लिक के पास नजर आ रही है बिल्कुल थोड़ी सी हिस्सेदारी है तो इसलिए कोई भी ऑपरेटर यहाँ पर इस कंपनी को बहुत ईजिली जिसके पास एक हजार दो हजार करोड़ के आ, इन्वेस्टमेंट इससे ईजिली यहाँ पर हिला सकता है तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें शेयर यहाँ पर एक रेंज में चल रहा है और अगस्त के बाद से लेके एक कंसोलिडेशन लंबा खा, अच्छा खासा हो चुका है लगभग 28% परसेंट के यहां पर ग्रोथ ऊपर की लेवल पे हम नजर आ रही है, अगर ये अपने को टच करता है तो अट्ठाइस और, तो अंदर -अंदर तो और अच्छे आते हुए दिखाई दिए क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे तो चीजें फिर दोबारा चेंज होती हुई नजर आ सकती है तो यहां पर अगर हम बात करें तो बाईस की एक अच्छी खासी गिरावट हो गई है बट रजिस्टेंस की बात करते हैं मेन रजिस्टेंस है तो देखिए अगर ये शेयर आपको यहाँ पर नाइनटीन

ऑपरेटर के थ्रू क्यों लेके आए और ऑपरेटर ही काम करते रहे कि ऑपरेटर ने यहाँ पर भगाया फिर इसे नीचे लेके आया क्योंकि उसे माल भरना है और जब थोड़ा सा माल दोबारा भर लेगा फिर इसे भगाता हुआ दिखाई देगा टू परसेंट की हिस्सेदारी ही यहाँ पर नजर आती है अब बात करते हैं दूसरे शेयर की तरफ तो दूसरे शेयर की अगर हम बात करें तो उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक आईसीआईसी बैंक इस लेवल पर बहुत बढ़िया नजर आ रहा है सेवन हंड्रेड के आसपास ये शेयर यहाँ नजर आ रहा है एट सिक्सटी सेवन से अच्छा खासा करेक्ट हो गया है एट टेन पे यहाँ पर मैंने इस शेयर को यहाँ पर सेल आउट किया था अब एक अपॉर्चुनिटी दोबारा बन रही है आर ओ सी आर ओ यहाँ पर देखेंगे नहीं पी तेईस के पी पे मिल रहा है एक बेहतरीन बैंक इससे बेहतरीन बैंक यहाँ पर बड़े बड़े लोग इस पर्टिकुलर बैंक पे पर बुलिश है यहाँ पर अगर बात करें सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है यहाँ पर अच्छा खासा बैंक है सब कुछ यहाँ पर अच्छा खासा नजर आता है मैक्मम चार

तो यहां पर देखिए कंपनी की रेवेन्यू कंसिस्टेंट ग्रोथ है पिछले बारह महीने में इस बार के भी जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर है तेईस हजार चार सौ अठहत्तर करोड़ की नेट प्रॉफिट देखेंगे वो हाईएस्ट एवर हाईस्ट एनवे करोड़ की तो यहाँ पर अगर बात करेंगे लगभग लगभग तीन गुना यहां पर ज्यादा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है आ, वो भी कितने तीन साल के अंदर अंदर इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे ईयरली बेसिस पे देखिए लगभग तीन गुना कंपनी यहाँ पर हो चुकी है तीस हजार करोड़ के रेवेन्यू अभी नब्बे हजार करोड़ के रेवेन्यू हो गए हैं यहाँ पर बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा है चार हजार छियालीस सौ करोड़ से इक्कीस हजार करोड़ पिछले बारह महीने में, में तो ये ग्रोथ दिखाता है यहाँ पर अगर एनपीए भी देखेंगे तो एनपीए यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे सॉरी एनपीए का यहाँ पर देने रखा है कंपनी का ईपीएस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट्स है रिजर्व्स कंपनी के यहाँ पर देखिए बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कहां पचास हजार करोड़ के थे अभी डेढ़ लाख करोड़ के आसपास के रिजर्व्स है बोरिंग की बात करें ग्यारह लाख करोड़ की है कंपनी लाख करोड़ की बोरइंग देती है और जितनी ज्यादा बोराइंग देगी उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा इस बात को याद रखिए इन्वेस्टमेंट की बात करें पांच लाख छत्तीस जितना तो पैसा नहीं है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है मतलब पैसा इन द सेंस यहाँ पर इसकी मार्केट कैप कैप नहीं है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है कंपनी का और भी लोन एडवांसेस की बात करें नब्बे हजार करोड़ का लोन है कैश की बात करें डेढ़ लाख करोड़ के आसपास का कैश है और यहाँ पर जो भी पैसा यहाँ पर कंपनी काम करती है पैसा आता वो है वो दिखाई देता है पॉजिटिव है आरओसी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इसके अलावा एफ की होल्डिंग की बात करें तो एफ की होल्डिंग देखिए जितने भी ये बैंक है ना सबके ओनर प्रोमोटर्स की बात करें तो एफ आई एस दिखाई देंगे यहां पर एफ आई एस की जो कि थोड़ी सी कम हुई है डी की बात करें यहाँ पर जो इन्होंने बेची है डीआईएस ने खरीद लिया तो यहां पर कभी ये बेच देते तो ये खरीद लेते हैं ये बेचते तो ये खरीद लेते हैं गवर्नमेंट की बात करें यहाँ पर पॉइंट टू फाइव परसेंट की पब्लिक की बात करें पब्लिक के हाथों से हिस्सेदारी निकलती हुई दिखाई दे रही है नाइन पॉइंट नाइन फाइव परसेंट की हिस्सेदारी है तो पब्लिक से भी यहाँ पर एफ आई डी एस खरीदते हैं ऐसे शेयर कि भाई हमें दे दीजिए आप तो बेकार स्टॉक्स में रही है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ यही होता है तो ये चीजें समझनी होगी हमें क्योंकि लॉन्ग टर्म में यही स्टॉक्स होते हैं कि जो पैसा बना के हमें देंगे तो ऐसे ऐसे बैंक की बात करें ऑलरेडी शेयर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो बाइस परसेंट के रिटर्न मिल रहे हैं अगर ये तीन महीने में भी, भी ये रिटर्न मिल गए जिस तरीके के इसके रिजल्ट हैं मुझे नहीं लगता तीन महीने इससे ज्यादा इसे टाइम लगेगा बाईस परसेंट के रिटर्न देने के लिए बट इस बार जब ये रिटर्न देगा तो बाईस परसेंट नहीं इससे ज्यादा ही रिटर्न देता हुआ नजर आएगा छह महीने का टारगेट है तो लगभग ये हजार रुपये तक भी ये शेयर जा सकता है तो थोड़ा लंबा सोचेंगे तो लंबा खेलेंगे लेंगे सत्रह परसेंट गिर चुका है लगभग बाईस परसेंट के यहाँ पर गेन दिखाई दे रहे हैं शेयर की अगर बात करें तो एक अच्छे लेवल पर चल रहा है थर्टी थ्री के आर एस आई पे चल रहा है ये शेयर जहाँ से बाइंग करना आप शुरू कर दीजिए इसमें तो रजिस्ट्रेंस की कोई बात ही नहीं है और थोड़ा बहुत गिर सकता है तो अगर दस बीस पचास रुपए ये गिरता है तो इसे यहाँ पर गिरना मत समझिएगा इसका मेन रजिस्ट्रेंस की बात करें सेवन के आसपास आता है सेवन के आसपास अगर ये स्टॉक्स यहाँ पर थोड़ा सा गिरता है और यहाँ पर आ जाता है तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तो जितना भरना चाहो ना माल उस टाइम उतना भर लीजिएगा जब इसके रिजल्ट आने वाले होंगे ना जो कि जैन में आते हुए दिखाई देंगे तो ये शेयर शूट होता हुआ दिखाई देगा अच्छे खासे रिटर्न बाईस के आपके थाली पे रखे हुए तो ये दो स्टॉक्स है श्रीराम सिटी यूनियन और आईसीआईसीआई बैंक ये दोनों पे आप नजरें बनाइएगा दोनों बेहतरीन यहाँ पर स्टॉक्स नजर आ रहे हैं रिवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सब कुछ अच्छा एफ एस की होल्डिंग बढ़ती नजर आ है बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने एडवाइजर खुद की स्टडी कर रहे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना कमेंट करना जितना हो सके सपोर्ट करना आपके सपोर्ट करेंगे तो अच्छी वीडियो आपके पास आती रहेगी सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस